मंत्री कमला रानी वरुण का अस्पताल में निधन हो गया है। कानपुर से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का अस्पताल में हुआ निधन। पीजीआई में कई दिनों से चल रहा था उनका इलाज। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हुई थी भर्ती। प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी कमला रानी वरुण। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कई दिनों से उनका पीजीआई में इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो हुई थी अस्पताल में भर्ती। प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी कमला रानी वरुण। कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का अस्पताल में निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीजीआई में कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। कमला रानी वरुण ने आज अंतिम सांस ली। कोरोना के चलते उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था पीजीआई में। कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का अस्पताल में निधन हो गया है। पीजीआई में कई दिनों से चल रहा था इलाज। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भर्ती हुई थी अस्पताल में। प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी कमला रानी वरुण। लखनऊ से सीधे कानपुर जाएगा कमला रानी का शव। कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा अंतिम संस्कार। आपको बता देते हैं, जिस तरीके से वो कोरोना पॉजिटिव थी तो उन्हीं सारे प्रोटोकॉल्स को देखते हुए उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी और आज उनका निधन हो गया। कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हुई थी वो भर्ती। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें, जिस तरीके से उनका और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का आज निधन हो गया, तो बड़ी क्षति है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं कि ये वाकई बहुत बड़ी क्षति है। ये ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि वो दो बार सांसद भी रही है, 11वीं और 12वीं लोकसभा में वो सांसद के रूप में अपना उन्होंने काम किया और पिछले साल ही उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार में, और प्रवर्धित शिक्षा के रूप में वो काम कर रही थी। बहुत ही शानदार काम कर रही थी, लगातार वो मेहनत कर रही थी और सबसे अच्छी बात है कि साफ सुथरी छवि थी उनकी। कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। आजकल के समय में कोई आरोप ना लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन ये दुखद खबर है कि आज सुबह 9:30 बजे लखनऊ के SGPGI में उन्होंने अंतिम सांस ली, और क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव भी निकली हैं तो उनके शव को कोरोना पॉजिटिव के लिहाज से ही उनकी डेड बॉडी को कानपुर देहात उनके घर रवाना किया जाएगा और फिर उनको COVID-19 के तहत ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री इसको लेकर के काफी दुखी है, काफी संजीदा है। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि उनकी उनके एक सहयोगी उनकी कैबिनेट के मंत्री अब नहीं रही है, और आज उनका अयोध्या जाने का दौर उनका कार्यक्रम था, बाराबंकी जाने का कार्यक्रम था, तो सारे कार्यक्रम अब मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिए हैं, क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन है अयोध्या में, तो उसकी तैयारी को लेकर के मुख्यमंत्री को आज अयोध्या जाना था, लेकिन अपनी कैबिनेट की सहयोगी के असामयिक निधन के चलते उन्होंने अपना ये कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी कमला रानी वरुण, आज उनका निधन हो गया। आपको बता दें, जिस तरीके से वो कोरोना पॉजिटिव थी और उनका निधन हुआ है, तो कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसी को सब कुछ ध्यान में रखते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता